हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडियन लोकल फूड में। आज हम लोकल तरीके से करेला का अचार बनाने जा रहे हैं, पिकल। और इसके लिए हमने करेले ले लिए हैं, इसे हम धूप में सुखाएंगे। हमने इसे कड़ी धूप में सुखाया है, अब मैं इसे काटने जा रही हूँ। काट के फिर से हम इसे सुखाएंगे धूप में। सबसे पहले हम करेले को लेंगे और उसके साइड के जो हिस्से को हम फेंक देंगे और बीच की जो बिछिया है उन्हें भी फेंक देंगे। और इसका मैं तीन हिस्सा बना लूंगी। और उसे मैं इस तरह से फ्रेंच फ्राई के स्टाइल में काट लूंगी। इन सभी को मैं इस तरह से काटने जा रही हूँ, उसके बाद हम इसे कड़ी धूप में सुखा देंगे। मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, ये लास्ट पीस है। तो हो चुका है, अब मैं उसी प्लेट में इसे रख के बाहर सुखा दूंगी। तो इसे हम अच्छी तरह से खोल देंगे कि अच्छी तरह से सूख जाए। अब हम सुखा देंगे जब तक अच्छी तरह से ना सूख जाए, एक दो दिन के लिए कड़ी धूप में। तो आप देख सकते हैं करेला हमारा अच्छी तरह से सूख चुका है। तो हमने बहुत सारा काटा था, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है सूखने का बाद। तो हमने दो दिन तक सुखाया है और थोड़ी देर के लिए हम इसे सुखाएंगे, उसके बाद हम इसका अचार बनाने जा रहे हैं। तो करेले का अचार बनाने के लिए हमने जार ले लिया है और साथ ही साथ ये मिर्चियों का अचार हमारे पास ऑलरेडी था, आपने हमारे पहले वीडियो में भी देखा है। तो इसे मैं डालने जा रही हूँ, आधा मैं यूज करने जा रही हूँ। तो हम निकाल के इस खाली जार में डालेंगे आधा। थोड़ा सा तेल, अपने करेले को डाल दूंगी। अपने करेले को डालने जा रही हूँ। तो हम इसमें नमक यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसमें नमक डालेंगे तो ये सड़ जाएगा, तो जब हम इसे खाते तभी थोड़ा नमक मिक्स करके खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। और इसे इसी तरह से जार में हम धूप में सुखाते रहेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालने जा रहे हैं, सरसों का तेल। तो अब मैं इसे ढक्कन मार के रख दूंगी। तो तैयार है हमारा अचार, बस और थोड़ी दिन के लिए हमें इसे रखना है धूप में और ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से हो चुका है, जब ये इंस्टेंट अचार है। जब भी हमें खाने का इच्छा हो तो हम इसे जली जली इस तरह से बना लेते हैं। और करेले का थोड़ा टेस्ट अलग से होता है अचार में। तो आपने देखा कि हमने आज किस तरह से करेले का अचार बनाया है, ये गांव का एक सिंपल तरीका है बनाने का। सो थैंक यू सो मच आज इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।